वालेकुम रान दिस इज हमज़ा खान आई होप यू आर डूइंग वेल जी के वो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे किस तरह से फिल आउट करना है आज हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे तो किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे हमने एक्चुअली किस तरह से फिल आउट करना है तो ये हमारे पास जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसका ये ऑफिशियल हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल आउट करना है और इस फॉर्म को आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ सबमिट करना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टूडेंट के माइंड में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने किस तरह से फिल आउट करना है या किस जगह पर क्या चीज़ राइट करनी है तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टार्टिंग में दो चीज़ें हैं जिसमें लिखा हुआ है अम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक तो इन दोनों में से आपने उस ट्रैक को चूज़ करना है जिस ट्रैक से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आप जी के स्कॉलरशिप और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन आपने अम्बेसी ट्रैक को चूज़ करना है बट फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अपलाइंग फॉर जी स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक तो सिंपली आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक को चेक करना है लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि आप आ, दोनों ट्रैक को चूज नहीं करेंगे इन केस अगर ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी नेक्स्ट uh, अगर देखा है तो हमारे पास है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन तो इस फील्ड को आपने एम छोड़ देना है इस फील्ड में आपने कुछ भी राइट डाउन नहीं करना नेम ऑफ एप्लीकेंट और नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने जो अपना नेम है वो कुछ इस ऑर्डर में राइट uh, डाउन करना है फर्स्ट योर फैमिली नेम दे गिवन नेम दैन मिडल नेम तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये नेम एक्चुअली क्या है क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्हें ये ना पता हो कि हमारा फैमिली नेम क्या है या हमारा मिडल नेम या गिवन नेम क्या है तो so स्टार्ट सबसे पहले करते हैं गिवन नेम से गिवन नेम एक्चुअली वो नेम होता है कि जिससे लोग आपको बुलाते हैं मीन्स कि जो आपका ऑफिशियल नेम होता है वो आपका गिवन नेम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमजा हमज़ा इज़ माई गिवन नेम तो अगर फैमिली नेम की बात की जाए तो फैमिली नेम वो नेम होता है कि जो आपके गिवन नेम यानी जो आपका ऑफिशियल नेम है उसके बाद जो आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस इफ इट्स हमज़ा खान देन हमज़ा इज़ माई गिवन नेम एंड फैमिली नेम इज़ खान तो ये हमारे पास गिवन uh, नेम और फैमिली नेम होते हैं लेकिन अब बात करते हैं कि मिडल नेम की तो मिडल नेम में हमारे पास क्या नेम आता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो नेम होता है उसमें थ्री नेम्स होते हैं अगेन uh, uh, अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो अगर मेरा नेम है हमज़ा जहीर ख़ान तो इस कंडीशन में जो हमज़ा है वो मेरा गिवन नेम है ख़ान जो है वो मेरा फैमिली नेम है और जहीर जो है वो मेरा मिडल नेम है मिडल नेम मींस कि वो नेम जो दो नेम के दरमियान में आए इन केस अगर आपका मिडल नेम है तो देन आप उसको राइट डाउन करेंगे इन केस अगर आपका मिडल नेम नहीं है देन आप अपना गिवन नेम और अपना फैमिली नेम को मेंशन करेंगे नेक्स्ट मूव करते हैं कंट्री ऑफ सिटीजनशिप तो आप जिस भी कंट्री से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं देन आपने सिंपली यहाँ पर अपने कंट्री का नेम लिखना है फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आप पाकिस्तान या पाकिस्तानी लिख सकते हैं और इसी तरह अगर आप जिस भी कंट्री से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो सिंपली आपने अपनी यहाँ पर नैशनैलिटी को मैंशन uh, कर देना है तो नेक्स्ट अब देखते हैं ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मींस की कुछ चेकलिस्ट हैं जिसको हमने इंश्योर करना है जब हम जी के स्कॉलरशिफ और गेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो मीन्स कि चीज़ें हैं कि जिनको हमने चेक करना है कि इन चीज़ों को हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिक्वायर्ड लिखा है इट्स मीन कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड हैं इनको आपने मस्ट सबमिट करना है तो उनमें से सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम अभी फिलआउट कर रहे हैं देन पर्सनल स्टेटमेंट जो इसी फॉर्म में गिवन है स्टडी प्लान

नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ तो आपने सबमिट करना है इन्हें अपोस्टल करके या कंसोलर कंफर्म करके तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके माइंड में एक कन्फ्यूजन थी कि हम कौन से सर्टिफिकेट हैं जिनको हमने अपोस्टल करवाना या कंसोलर कंफर्म करवाना है तो ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आपने यहाँ तो अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कंफर्म करवाना है तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायर्ड मीन्स कि ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनका आपके पास होना जरूरी है और इन सर्टिफिकेट का अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म होना भी ज़रूरी है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मीन्स आपकी प्रूफ सिटीजनशिप और आपके पेरेंट्स की प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप मींस के आपका आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है उस डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टर करवाना है या कंफर्म करवाना है देन हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो कि आपको आपकी जो स्कूल कम्प्लीशन के बाद आपको मिलता है हाई स्कूल कम्प्लीशन के बाद वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए और इन केस अगर आपने अभी अपना रिज़ल्ट आपको मिलना है या रिजल्ट मिल गया है और आपको अभी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो देन आपको इस केस में एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट होता है आ, उसको सबमिट करवाना है तो इसी के साथ साथ जो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है हाई स्कूल की उसको भी आपने सबमिट करवाना है तो ये जो वो चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं और इनको भी आपने चेक करना है लेकिन अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास कुछ आ, और सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन उन सर्टिफिकेट के आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर रेलीवेंट एप्लीकेंट मींस कि ये वो सर्टिफिकेट हैं जो कि उन एप्लीकेंट ने सबमिट करने हैं जिनको लगता है कि ये उनसे रेलीवेंट है अगर आपको लगता है कि ये सर्टिफिकेट आपसे रेलिवेंट नहीं है तो देन आप उनको सबमिट नहीं करवाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हाई स्कूल कम्प्लीट किया है तो देन जो सर्टिफिकेट हैं आपने सबमिट है तो वो आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और आपका जो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हाई स्कूल की उसने, उसको आपने सबमिट करवाना है तो इन केस अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो देन ये वो सर्टिफिकेट हैं जो आपसे रेलिवेंट हैं जस्ट लाइक कि आपने अपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना है इसी तरह जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है एसोसिएट डिग्री की आपने उसको सबमिट करना है देन प्रूफ ऑफ सीज कोरियन डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट ये वो चीज़ें हैं कि जो आपसे अगर रेलिवेंट हैं तो देन आप इनको अब पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करके सबमिट करवाएंगे इन केस अगर ये चीज़ें आपसे रेलिवेंट नहीं हैं तो आप इनको सबमिट नहीं करवाएंगे uh, और अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं पास आउट हुए हैं और बैचुलर और अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन आपके जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं वो ये हैं जिनको आपने चेक करना है बट इन केस ये डॉक्यूमेंट आपसे रेलिवेंट अगर हैं और अगर आपने सबमिट करवाना है तो देन आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी सिंपली चेक करना पड़ेगा कि मैंने इन डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करवा दिया है नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास है आ, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स जिनको आपने सबमिट करवाना है लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप सामने देखें तो एक नोट है जिसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल मीन्स कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इन्हें सबमिट करवा सकते हैं अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं मीन्स कि डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है मीन्स कंपल्सरी नहीं है बट ऑप्शनल है इन केस यू हैव यू कैन सबमिट दोज डॉक्यूमेंट तो अगर आपके पास वैलिड टॉपिक स्कोर है तो आप उसे सबमिट करवा सकते हैं इसी तरह अगर आपके पास आइट्स uh, या इंग्लिश जो प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर होता है वो अवेलेबल है उसको भी सबमिट करवा सकते हैं इन uh, केस अगर है तो वेल एंड गुड इन नहीं है तो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है कोई अवार्ड्स हैं कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ऑप्शनल हैं अगर है तो सिंपली चेक करें और इनको सबमिट करवाएं और एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी मीन्स के अगर आपके पास एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी है तो आप उस सबमिट करवा सकते हैं इनकेस अगर नहीं है तो देन इट्स ओके इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आ, बट इन केस अगर आपके पास आ, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिस जगह पर आपको एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है उसे ही सबमिट करवाना है मींस के पासपोर्ट को आप एज आ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं फॉर सिटीजनशिप और फॉर एज क्राइटेरिया तो देन आपको इस डॉक्यूमेंट को इस पासपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सिंपली चेक करना पड़ेगा तो ये वो चेकलिस्ट है जिसको आपने सबसे पहले इंश्योर करना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और अगर हैं और वो डॉक्यूमेंट अगर आपसे रेलिवेंट हैं तो सिंपली आपने चेक करते जाना है और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म नंबर वन से फॉर्म नंबर वन एक्चुअली हमारे पास वो फॉर्म है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है कि स्टूडेंट किस फील्ड में जाना चाहता है उसका नेम क्या है उसका गिवन नेम क्या है उसका फैमिली नेम क्या है एंड ऑन तो इसको फिल आउट करने का देखते हैं कि तरीका क्या है सबसे पहले एप्लीकेशन ट्रैक कि आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो किस ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं अम्बैसी और यूनिवर्सिटी तो सिंपली जिस भी ट्रैक से आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको चेक कर देना है इन केस यू आर अपलाइंग थ्रू अम्बेसी ट्रैक देन सिंपली सेलेक्ट अम्बेसी ट्रैक और इन केस यू आर अपलाइंग थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक देन सिंपली चेक द यूनिवर्सिटी ट्रैक टाइप ऑफ एप्लीकेशन मीन्स कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो अम्बेसी ट्रैक के अंदर यहाँ तो आपकी एप्लीकेशन की टाइप जनरल होगी यावरसीज़ कोरिन होगी इन दो के अलावा आप और कोई टाइप चूज़ नहीं कर सकते और इन केस अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन की टाइप होगी यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए वो यहाँ तो यू आई सी होगी या रीजनल यूनिवर्सिटीज़ होंगी या एसोसिएट डिग्री होगी तो जो भी आप एप्लीकेशन ट्रैक चूज़ कर रहे हैं दैन उस एप्लीकेशन ट्रैक को देखते हुए आपने अपने टाइप ऑफ एप्लीकेशन को चूज़ करना है नेक्स्ट इज डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई क्या आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में से जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस एक को आपने टिक कर देना है यानी उसको मार्क कर देना है नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ायर फील्ड ऑफ स्टडी या डिवीज़न कि कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी को आप स्टडी uh, करने जा रहे हैं यानी कौन सी ऐसी डिवीजन है जिसको आप स्टडी करेंगे Uh, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप लिबरल आर्ट्स के लिए जा रहे हैं देन चेक लिबरल आर्ट्स इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू सोशल साइंस देन चेक सोशल साइंस इसी तरह बहुत सारी फील्ड्स हैं और यहाँ पर एक मेडिसिन की फील्ड भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम मेडिसिन से रिलेटेड किसी फील्ड को स्टडी कर सकते हैं तो हयर इज द ऑप्शन गिवन इट्स मीन कि आप मेडिसिन की रिलेटेड जो फील्ड है उसको भी स्टडी कर सकते हैं तो जो भी फील्ड या कोई भी डिवीजन आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस डिवीजन को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक बार लिखी हुई यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड तो अगर है हमारे पास, आ, कुछ आपने देनी है आ, अपने रिलेटेड सबसे पहले फैमिली नेम, नेम, मिडल नेम जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ गिवन नेम वो नेम जो आपका अपना नेम है फैमिली नेम जो आपका फैमिली का नेम होता है जस्ट लाइक हमजा खान देन हमजा इज माई गिवन नेम and then uh, family name is Khan uh, but for example if a uh, applicant uh, has a name that consists of three names so then in that case जो middle name आपका होता है दो names के दरम्यान उसको आपने यहाँ mention करना है तो इस तरह से आपने अपना name यहाँ पर again write down करना है तो डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है लेकिन फॉर्मेट ये गिवन है आपके पास इसी फॉर्मेट को चूज़ करना है आ, सबसे पहले आपका ईयर आना चाहिए देन मंथ आना चाहिए देन डेट आनी चाहिए और जब आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने लगें तो फॉर एग्जांपल के लिए जो चीज़ यहाँ मेंशन है इसको आपने इरेज कर देना है और सिंपली आपने अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंशन कर देनी है देन जेंडर चूज़ करना है मेल और फीमेल इफ़ यू आर अ मेल स्टूडेंट दैन चेक मेल स्टूडेंट इफ़ यू आर अ फीमेल स्टूडेंट दैन चेक फीमेल स्टूडेंट सो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपने उसका मेंशन करना है। क्या आपके पास कोरियन सिटीजनशिप है तो अगर है तो यस अगर नहीं है देन नो और इसी तरह क्या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास सिटीजनशिप uh, है अगर है तो आपको चूज करना पड़ेगा येस अगर नहीं है देन नो और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने अपना एड्रेस मैंशन करना है और इसी तरह आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है और फोन नंबर याद रखना कि आपने कंट्री कोड से स्टार्ट करना है एंड देन आपने यहाँ पर अपना ई मेल मैंशन करना है फ़ोटो यहाँ पर आपने सॉफ्ट फॉर्म में नहीं लगानी बल्कि क्या करना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे और इस फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे देन प्रिंट आउट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो पिक्चर है उसे अटैच कर देना है लेकिन यहाँ सॉफ्ट फॉर्म में इमेज नहीं लगानी बल्कि अपनी जो पिक्चर है फॉर्म को प्रिंट करने के बाद वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है नेक्स्ट हमारे पास है आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज तो अगर आपके पास टॉपिक लेवल है तो देन कौन सा लेवल है वन है टू है थ्री है जो भी लेवल आप होल्ड करते हैं तो देन आपने उस लेवल को सिंपली यहाँ पर टिक कर देना है और देन जो भी लेवल अगर आप होल्ड करते हैं जिसको आपने टिक किया है तो वो उस टॉपिक लेवल जो आपने ओप्टेन किया है उसका जो टेस्ट हुआ था उसकी जो डेट है उसको यहाँ पर आपने मेंशन करना है सबसे पहले आपने बताना है कि जो टेस्ट हेल्ड हुआ यानी कौन सा टेस्ट नंबर था उसको मेंशन करना है देन टेस्ट की डेट को यहाँ मेंशन करना है इन केस अगर आप टॉपिक लेवल को होल्ड करते हैं और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश प्रोफिशंसी टेस्ट स्कोर तो अगर आपके पास टोफिल आयल्स या टोइक का आपके पास इंग्लिश प्रोफिशंसी टेस्ट स्कोर है तो इनमें से अगर कोई भी आपके पास टेस्ट स्कोर है तो आप उसको यहाँ सिंपली राइट डाउन करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन तो वो स्टूडेंट जो हाई स्कूल को पास आउट कर कर आ रहे हैं और अब जी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उन्होंने किस तरह से अपनी डिटेल को फिल आउट करना है इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले आपने मेंशन करना है अपने हाई स्कूल का नेम जिससे आपने अपना हाई स्कूल पास किया है देन लोकेशन कंट्री मीन्स कि किस कंट्री में उसकी लोकेशन क्या है स्कूल की उसको मेंशन करना है पीरियड ऑफ अटेंडेंस डेट ऑफ ग्रेजुएशन और डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को थोड़ी कन्फ्यूज़ कर रही थी पीरियड ऑफ अटेंडेंस मीन कि वो ड्यूरेशन जब आपने अपने हाई स्कूल को पास आउट किया कितने ड्यूरेशन के अंदर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो हाई स्कूल होता है वो टू ईयर्स का होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो जिस ईयर में आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे थे और जिस ईयर में आपने सेकेंड ईयर कम्प्लीट किया और आप उस स्कूल से पास आउट हुए ये जो ड्यूरेशन है इसको आपने पीरियड ऑफ अटेंडेंस के अंदर लिखना है फॉर uh, एग्जांपल अगर आप 2018 में uh, जो है वो हाई स्कूल में गए थे अपने फ़र्स्ट ईयर में और 2020 के अंदर यानी टू इयर्स के अंदर आपने अपना जो हाई स्कूल उसे कंप्लीट किया तो देन यहाँ पर आप लिखेंगे 2018 थाउजेंड एटीन टू टू और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि आपका जो हाई स्कूल है वो कौन सा था तो हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर था तो आप यहाँ पर उसे यहाँ मैंशन कर देंगे तो अब अपने खुद देखने के आपका जो पीरियड ऑफ अटेंडेंस है वो कितनी है आपके हाई स्कूल की देन उस पीरियड ऑफ अटेंडेंस को देखते हुए आपने सिंपली यहाँ पर मेंशन करना है डेट ऑफ ग्रेजुएशन वो डेट जब आप अपने स्कूल से ग्रेजुएट हुए और ये यूजली वो डेट होती है कि जो आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है तो ये डेट कहाँ से मिलेगी तो सिंपली आपने अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को देखना है और उसके ऊपर ही जो आपकी ग्रेजुएशन डेट है वो मेंशन होगी और सिंपली आपने यहाँ राइट डाउन कर देना है लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा कि सबसे पहले आपने ये लिखना है दैन मंथ लिखना है और दैन आपने उसकी डेट को मैंशन करना है और लास्ट पर अगर देखें तो हमारे पास डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए लेकिन एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो देन आपने यहाँ पर अपनी जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएशन डेट है उसको मेंशन करना है अभी डेट आपको कहाँ से मिलेगी तो ये डेट आपको उस सर्टिफिकेट से मिलेगी जो आपको आपका स्कूल इशू करेगा इन केस अगर आप अभी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो वो सर्टिफिकेट जो स्कूल आपको इशू करेगा उसके ऊपर ये लिखा होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये जो एप्लीकेंट है इस डेट तक या इस मंथ तक जो है वो ग्रेजुएट हो जाएगा देन आपने उस ईयर को उस मंथ को और उस डेट को यहाँ पर सिंपली मैंशन करना है तो बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को कम्प्लीट कर कर आ रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं जी स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट ाम के लिए तो उन्होंने इस सेक्शन को किस तरह से फिल आउट करना है सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री रिसीव की उसका नेम मैंशन करना है देन सिंपली उसकी लोकेशन और जो आपने सोश डिग्री ली उसका मेजर क्या था आपने सिंपली उस मेजर को भी यहाँ पर मेंशन करना है नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन वही बात कि जिस तरह हाई स्कूल में था कि किस डेट को आप ग्रेजुएट हुए आपने सिंपली यहाँ पर वो डेट मेंशन कर देनी है और जिस डेट को आपको डिग्री अवार्ड की गई उस डेट को भी आपने यहाँ मेंशन करना है और लास्ट पर आपका डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन तो डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन मींस कि वो डेट अगर इन केस अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए लेकिन आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है जिस पर ये लिखा हुआ है कि इस मंथ को इस डेट को ये स्टूडेंट हमारा ग्रेजुएट हो जाएगा तो देन उस डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन को आपने यहाँ मेंशन करना है यूजिंग द सेम फॉर्मेट देट इज़ फर्स्ट यू हैव टू राइट योर ईयर दैन मंथ एन दैन डेड तो ये इस तरीके से आपने इस सेक्शन को फिल आउट करना है उन स्टूडेंट के लिए जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर कर आ रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास देखा है तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि हैव यू एवर अर्न आ बैचुलर डिग्री इन द पास्ट तो क्या आपने uh, पहले कोई बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो इन केस अगर आपने की है तो आपने यहाँ पर यस करना है और इन केस अगर आपने नहीं की तो यहाँ पर आपने नो करना है सेक्शन नंबर एट देखे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन ऑन अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से ग्रेड तो अब इस सेक्शन को फिल आउट करना सीखते हैं तो अब ये वो सेक्शन है कि यहाँ पर आपने अपने मार्क्स को किस तरह से लिखना है अपने ग्रेड्स किस तरह से लिखने हैं ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में बात करेंगे सबसे पहले तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज में हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपकी जो जितनी भी परसेंटेज है आउट ऑफ हंड्रेड तो आपने सिंपली इस चीज़ को यहाँ से फॉर्मेट करना है और अपनी परसेंटेज को मेंशन कर देना है देन वही परसेंटेज जो है वो आपने मेंशन करनी है अपनी इस हंड्रेड में से यहाँ पर तो ये तो था कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज के अंदर हैं इन केस अगर आपका जो मार्क्स हैं वो आपके सी जी पे के अंदर हैं जस्ट लाइक अगर आप एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो सी जी पे के अंदर हैं तो अगर आपके मार्क्स इन स्केल में से हैं यानी 4.0, 4.3, 4.5, तो सिंपली आपने यहाँ पर लिख देना है कि इतना आपका सी बनता है इस स्केल में से और देन उस सी को आपने यहाँ पर राइट डाउन कर देना है बट इन केस अगर आपके जो सी है वो इन स्केल में नहीं है तो आपने क्या करना है कि अपना जो सी है उसे कन्वर्ट करना है इन सी स्केल के अंदर तो अगर आप उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं तो देन कन्वर्ट करने के बाद जो आपका सी जी पी स्केल बन रहा है आपने उसको यहाँ पर मेंशन करना है इस चीज़ को रिमूव करने के बाद तो जो आपने अपना सी जी पी कन्वर्ट किया है इन स्केल के अंदर तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि मस्ट बी कन्फर्म बाय द स्कूल और यूनिवर्सिटी तो अगर आपका जो स्कोरस थे उनको आपने कन्वर्ट किया है इन इन में से किसी भी स्केल के अंदर Uh, तो आपने सिंपली पहले तो उसको यहाँ मेंशन करना है और देन यहाँ पर चेक करना है यस और नो मींस के अगर तो आपके जो कन्वर्जन uh, हुई है स्कोर uh, की इनटू सीजीपीए तो अगर वो स्कूल की तरफ से हुई है और ऑफिशियली हुई है देन आपको येस करना है अदरवाइज़ आपको नो no करना है और कोशिश करनी है कि वो जो कन्वर्जन आप करवाएँ अपने स्कूल से ही करवाएँ और देन आप सिंपली यहाँ पर येस yes करें उसको लेकिन इन केस अगर आपके जो मार्क्स हैं वो सी के अंदर हैं तो यहाँ पर स्कोर पर्सेंट टाइल में आपने क्या लिखना है तो स्कोर पर्सेंट टाइल में सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना जो सी जी है उसको मैंशन करें तो अगर तो कन्वर्टेड नहीं है तो सिंपली यहाँ मैंशन करें इन केस अगर आपने कन्वर्टेड करवाए हैं अपने ग्रेड्स को सी में दैन उस कन्वर्टेड को यहाँ मैंशन करें इसमें से किसी भी एक रेलिवेंट स्केल के अंदर आपने जो कन्वर्ट करवाए हैं तो यहाँ पर इन अब इस कंडीशन में क्या लिखा है इस कंडीशन में आपने ये करना है कि गाइडलाइंस के अंदर आपको एक जी पी कन्वर्जन टेबल दिया जाता है उस जी पी कन्वर्जन टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं वहाँ पर जो है वो फोर पॉइंट जीरो का कॉलम होता है फोर पॉइंट थ्री का कॉलम होता है फोर पॉइंट फाइव का कॉलम होता है और इसी तरह हमारे पास हंड्रेड स्केल का भी कॉलम होता है तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ तो ऑफिशियल सी जी पे था यहाँ आपका जो कन्वर्टेड सी जी पे था जिस भी स्केल के अंदर था आपने उस स्केल के कॉलम में जाना है और देन देखना है कि आपका सी जी पी कितना बनता है देन उस सी जी पी के अगेंस्ट आपने उस रो को कॉपी करते जाना है और लास्ट पर एक कॉलम है हंड्रेड स्केल पॉइंट तो हंड्रेड स्केल कॉलम में आपने देखना है कि आपके जो सी जी पी है उसके सामने कितने पॉइंट स्केल बनते हैं तो जो स्कोर परसेंटाइल आपको वहाँ से मिलती है उस स्कोर परसेंटाइल को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है तो ये स्कोर परसेंटाइल आपको कहाँ से पता चलेगी ये स्कोर परसेंटाइल आपको आपके सी जी पी की जो रो होगी उसके सामने स्कोर परसेंटाइल मेंशन होगी और ये कहाँ मेंशन होगी ये आपकी जो गाइडलाइंस है वहाँ पर एक जो जी पी कन्वर्जन टेबल है वो मैंशन होगा तो वहाँ से देख आपने सिंपली यहाँ पर राइट डाउन कर देना है तो सिंपल है इसमें कोई डिफ़िकल्ट uh, चीज़ नहीं है uh, तो आई होप सो कि चीज़ आपको क्लियर है तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हमारे पास है जी पी ए इंडिकेटेड ऑन योर ओरिजिनल अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट तो इसको किस तरह से फिल आउट करना है तो सबसे पहले तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो इट्स मीन के सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो हाई स्कूल है वो कितने ईयर पर बेस करता है तो अगर पाकिस्तान की बात की तो यहाँ पर जो हाई स्कूल होता है वो टू इयर्स का होता है मींस के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तो सिंपली आपने क्या करना है आपके जो फर्स्ट ईयर के जो परसेंटेज हैं Uh, उसको आपने यहाँ मेंशन करना है इसी तरह जो सेकेंड ईयर की परसेंटेज है उसको इस फर्स्ट कॉलम में मेंशन करना है और अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो देन आपने आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सी जी पी यहाँ मैंशन करना है देन सेकेंड सेमेस्टर का देन थर्ड सेमेस्टर का देन फोर्थ सेमेस्टर का और इसी तरह आपने इस जी uh, पी को फिलआउट करना है तो आई होप ये चीज़ भी आपके लिए क्लियर है नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले आपने चॉइस वन में लिखना है कि अपनी जो टाइप बी यूनिवर्सिटी है उसको मेंशन करना है देन चॉइस टू में आप टाइप ए और बी में से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं इसी तरह चॉइस थ्री में भी आप टाइप ए और टाइप बी में से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं तो अगर आप आपबेसी ट्रैक्स हैं तो इसको आपने चेकआउट करना है और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक्स हैं तो आपने इसको चेकआउट करना है लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आप जो यूनिवर्सिटी हैं उसे टाइप ए से भी चूज़ कर सकते हैं और टाइप बी से भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन एक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी आपको नेक्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी डिविजन में आप जाना चाह रहे हैं जो हमने ऊपर भी बात की तो वो यहां पर आप मेंशन करेंगे जिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं उसको मेंशन करेंगे और ये इस सेक्शन को आपने इस तरह से फिल आउट करना है नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस विजिट टू कोरिया और करंटली रिजाइडिंग इन कोरिया तो अगर आप प्रीवियसली कोरिया को आपने विजिट किया है या कोरिया में रहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल आउट करना है तो अगर आपने प्रीवियसली कोरिया को विजिट किया तो पीरियड यानी कब विज़िट किया उस चीज़ को यहाँ लिखना है पर्पज ऑफ स्टे क्यों आप हाई कोरिया उस चीज़ को लिखना है और किस रीजन या सिटी में रहे उस चीज़ को मैंशन करना है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड थे आप तो उसको मेंशन करना है और वीज़ा टाइप क्या थी इस चीज़ को मेंशन करना है इन केस अगर आपने विज़िट किया है नेक्स्ट हमारे पास है आ, कि अगर आपने प्रीवियसली कोई स्कॉलरशिप कोरियन गवर्नमेंट से रिसीव की है या किसी इंस्टीट्यूशन से रिसीव किया है तो उसको यहाँ पर आपने लिखना है इन केस अगर आपने रिसीव की है तो मेंशन करें इन केस अगर नहीं की तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो अगर आपने रिसीव की है तो कब से कब तक की है उस पीरियड को मेंशन करना है देन स्कॉलरशिप का नेम क्या था उस चीज़ को मेंशन करना है देन किसने वो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की थी देन आपने यहाँ पर उस स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है उसको मैंशन करना है तो लास्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो डेट है उसको मैंशन करना है इसी फॉर्मेट के अंदर देन अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट फॉर्म टू है पर्सनल स्टेटमेंट का तो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनको आपने डिस्कस करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर और जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है वो टू पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विद इन टू पेजेस होने चाहिए तो फोन कौन सा चूज़ करना है टाइम्स न्यू रोमन वो भी मैंशन है और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से आपने लिखनी है मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको बता चुका हूं तो आई होप सो कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो लास्ट पर यहां पर अगेन डेट आपका फुल नेम और आपके सिग्नेचर ये चीज़ें मस्ट हैं अगर नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को वैल्यूट माइट भी ना किया जाए दैन स्टडी प्लान स्टडी प्लान के अंदर मीन्स कि आपका आ, कोरिया जाने के बाद स्टडी प्लान क्या होगा जी क्या, के स्कॉलरशिप के अंडर तो इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि आपका लैंग्वेज स्टडी प्लान क्या होगा गोल ऑफ स्टडी क्या होंगे और फ्यूचर प्लान क्या होंगे आफ्टर कम्प्लीटिंग योर स्टडी स्टडी प्लान किस तरह से लिखना है क्या चीज़ें लिखनी है क्या चीज़ें नहीं इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं और लास्ट पर स्टडी प्लान का जो फॉर्म है, उसके नीचे भी आपने अपनी जो डेट है उसको मेंशन करना है अपना फुल नेम लिखना है और सिग्नेचर को अपने करने हैं इन चीज़ों को लाजमन रखना है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे मींस के डेट एप्लीकेंट फुल नेम सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर माइट भी ना की जाए फॉर्म नंबर फोर इज रिकमेंडेशन लेटर तो ये वो फॉर्म है जिसका कुछ हिस्सा आपने फिल आउट करना है और कुछ हिस्सा उस रेफरी ने फिल आउट करना है जो कि आपका रेकमेंडेशन लेटर को राइट डाउन करेगा तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नेम लिखना है देन अपना गिवन नेम लिखना है मीन्स के पहले फैमिली नेम देन गिवन नेम कंट्री ऑफ सिटीजनशिप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और जिस डिग्री प्रोग्राम अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपका इंटेंटिड मेजर क्या है उसको राइट डाउन करना है इतनी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपने इस फॉर्म को या तो अपने रेफरी को सबमिट करवा देना है या उसको सिंपली ईमेल कर दें और बाकी काम जो है वो रेफरी करेगा लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर क्या करना है कि उस रिकमेंडर ने अपना यहाँ पर नेम लिखना है अपने सिग्नेचर करने हैं डेट लिखनी है पोजीशन टाइटल के किस भी स्कूल यूनिवर्सिटी या जो भी सुपरवाइजर है उसका जो टाइटल है जो पोजीशन है वो यहाँ मेंशन करेगा किस इंस्टीट्यूशन से वो लिंक है वो यहाँ पर राइट डाउन करेगा देन अब जो है वो एड्रेस लिखेगा देन जिप कोड और अपना ईमेल और अपना जो टेलीफोन नंबर है वो उसको यहाँ पर राइट डाउन करेगा लेकिन यहाँ पर एक जो है वो इंस्ट्रक्शन है रिकमेंडर के लिए राइट डाउन है वो ये कि अगर वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं देन उन्होंने तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करवाना है तो अगर आप एम्बेसी से अप्लाई करने जा रहे हैं तो यही सेम जो आपका रिकमेंडर होगा यही क्या करेगा कि चार टोटल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सेम जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनको एक सिंगल इन्वेलम में इस फॉर्म के साथ रख कर उसको क्रॉस साइन करके आपको सबमिट करवा देगा यानी सीड करके आपको सबमिट करवा देगा देन उस एक इन्वेलप को आपने सबमिट करवाना है ऐसा नहीं करना कि चार लेटर चार डिफरेंट रिकमेंडर से लिखवा लें या चार लेटर चार डिफरेंट फॉर्म में रखवा लें बल्कि इस फॉर्म को यानी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म है वो और साथ एक जो लेटर है जो उस पर्सन ने लिखा और उस फिर लेटर की तीन कॉपीज या अगर वो पर्सन चारों लेटर ही ओरिजिनल अरेंज कर सकता है जो कि सेम होने चाहिए तो इन सारी चीज़ों को एक इन्वेलप में वो रिकमेंडर रखेगा उसको क्रॉस साइन करेगा और उसको सिग्नेचर करने के बाद सील्ड करने के बाद आपको सबमिट करवा देगा देन उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो इन्वेलप है आपने उसको अपनी अप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना है नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है तो ये जो अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ही मेंशन है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं फॉर्म नंबर फाइव जो है वो जी के एस एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म है ये वो फॉर्म है कि जिससे जो जी के एस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट उन्होंने इस एग्रीमेंट से एग्री करना है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सिंपली आप इन बॉक्सेस के अंदर टिक करते जाएंगे और टिक करने के बाद इट्स मीन कि आप इनके जो एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म है उससे एग्री कर रहे हैं तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सिंपली आपने इन चीज़ों को रीड आउट करने जाना है और रीड आउट करते के साथ ही आपने इन चीज़ों को टिक करते जाना है नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्रीमेंट uh, है ऑन कलेक्शन एंड यूज ऑफ सनल डाटा ये इस एग्रीमेंट को भी आपने एग्री कर सो so, तो ये वो एग्रीमेंट है जिसको आपने एग्री करना है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों एग्रीमेंट के अंदर लास्ट पर एक चीज लिखी हुई है कि अगर आप इन एग्रीमेंट से रिफ्यूजल करते हैं मीन्स कि अगर आप इन से सिग्री करते हैं तो योर एप्लीकेशन मे बी एक्सक्लूडेड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर इसी तरह इस एग्रीमेंट के बॉटम पर भी ये स्टेटमेंट मैंशन है तो आपने इन एग्रीमेंट से भी एग्री uh, करना है जब आप इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास uh, इसी पेज के लास्ट पर एक चीज़ है आई कन्फर्म दैट आई रीड ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस मींस कि आप जितनी भी इन टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होकर आ रहे हैं उनको आपने पढ़ लिया है और उनसे आप एग्री कर रहे हैं तो जब आप उनको केयरफुली पढ़ लें और उनको एग्री uh, कर लें तो देन आपने यहाँ पर अपनी जो डेट है उसको मेंशन करना है इसी फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट ईयर देन मंथ देन डेट देन आपने अपना फुल नेम लिखना है और इसी के साथ साथ आपने अपने सिग्नेचर करने हैं आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हर एक फॉर्म के बॉटम पर यह चीज़ जो है वो मेंशन है तो इस चीज़ का फिल आउट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका यहाँ नेम नहीं होगा सिग्नेचर नहीं होगा और आपकी डेट मैंशन नहीं होगी तो ये भी चीज़ आपकी एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर सकती है तो मेक श्योर करेंगे जब भी इन फॉर्म को फिल आउट करना है आपने इन फॉर्म के बॉटम पर जो ये पार्ट है रिगार्डिंग डेट एप्लीकेंट फुलमेंट सिग्नेचर तो इसको भी आपने फ़िल करना है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म नंबर सिक्स है जिसको हम पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म कहते हैं uh, अच्छा ये वो फॉर्म है कि जिसको आपने अभी ख़ुद फिल आउट करना है बिकॉज़ uh, यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज़ जस्ट पर्सनल मेडिकल असेसमेंट एंड एप्लीकेंट्स डू नॉट नीड टू गेट अ कम्प्रीहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन एट दिस स्टेज तो इट्स मीन कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप ख़ुद फिल आउट करेंगे और आपकी जो कमप्रीहसि मेडिकल एग्जामिनेशन होगी वो uh, जब आपसे कहा जाएगा देन उस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो अभी आपने इस फॉर्म को फिल आउट करना है खुद और इसको सबमिट करना है तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है अगर आप मेल एप्लीकेंट है देन गो विथ दिस वन अगर आप फीमेल एप्लीकेंट है देन गो विथ दिस वन अपनी हाइट जो आपको पता होगी उसको यहाँ राइट ऑन करना है एंड देन अपना वेट लिखना है अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने बताना है कि क्या आई जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस yes है या नो no है तो जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ते जाएं और देखें क्या इसका आंसर यस yes बनता है या नो no बनता है तो देन आपने सिंपली अगर यस yes होगा तो इस कॉलम में लिखना है अगर नो no होगा तो इस कॉलम में जाना है और अगर तो नो होगा इट्स ओके बट इन केस अगर आप इसमें से किसी चीज़ को यस yes सेलेक्ट uh, करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है कि यहां पर अगर आप देखें तो एक और हमारे पास कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यस प्लीज एक्सप्लेन तो अगर ये क्वेश्चन है और उसका आंसर यस yes है तो उस यस yes होने के जो रीज़न है उसको भी आपने यहां पर मेंशन करना है या आपने अगर सेलेक्ट यस yes किया है तो क्यों किया है उस रीजन को यहां एक्सप्लेन करना है तो ये हमारे पास फॉर्म नंबर सिक्स होता है जिसको हम पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म कहते हैं जिसको स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है और लास्ट पर इस फॉर्म के भी अगर देखें तो हमारे पास डेट है जिसको तो इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है और देन अगेन हमारे पास एप्लीकेंट का फुल नेम है जो कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई करने जा रहा है वो अपना फुल नेम यहाँ लिखेगा एंड देन अपने सिग्नेचर भी उसे यहाँ पर करने होंगे तो इस तरह से आपने जी के एस स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलआउट करना है और कुछ स्टूडेंट जो थे उनके माइंड में एक क्वेश्चन था आ, कि वो वो ये कह रहे थे बार बार कि अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिलता है तो हमें स्टडी प्लान फॉर्म कहाँ से मिलता है हमें रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा हमें पर्सनल स्टेटमेंट फॉर्म कहाँ से मिलेगा और हमें मेडिकल असेसमेंट फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो मैंने आल इस चीज़ को आंसर भी किया था और मैंने तब भी आपको बताया था कि जब आप Uh, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अवेल uh, करेंगे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही ये सारे फॉर्म होंगे जिनको आपने सबमिट करना है सेपरेटली कोई भी फॉर्म आपको नहीं चाहिए बल्कि इस एक एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारे फॉर्म मेंशन हैं अवेलेबल हैं सिंपली आपने इनको राइट डाउन करना है और आउट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है तो ये तरीका है कि किस तरह से अगर आप जी के स्कॉलरशिप और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे किस तरह से फिल आउट करना है बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा बट आई होप सो कि बहुत सारी जो चीज़ें थी रिगार्डिंग के जो जी के स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है उसे किस तरह से फिल आउट करना है तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं सो आई विश यू वेरी गुड लक एंड आई होप सो के जी के स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल आउट करना है अभी चीज आपको काफ़ी क्लियर है जस्ट अप्लाई करें अपनी स्कॉलरशिप के लिए होप फॉर द बेस्ट इन आप स्कॉलरशिप को ज़रूर अवेयर करेंगे सो यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़